टीवी चैनल से बताना चाहूंगा। कई जगह विवाद चल रहा है कि धर्म सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है और मूर्ख बनाया जा रहा है। अरे सर्वधर्म सम्मेलन में वो लोग मुस्लिम समुदाय को, ईसाई समुदाय को कैसे लेके आ सकते हैं? अरे भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ईसाई होते हैं उसका रिलीजन होता है, हिंदुओं का जो होता है वो धर्म होता है, और मजहब जो होता है वो मुसलमानों का होता है। अब आप जो है दूध के अंदर कीचड़, पानी और कचरा सब भर देंगे, वो दूध कहलाएगा क्या? उल्टा दूध और गंदा हो जाएगा। उसी तरीके से सर्वधर्म सम्मेलन में अगर आप हिंदू सनातन धर्म जो होता है उसके जो लोग होते हैं उसको लेके आते तो सर्वधर्म सम्मेलन समझ में आता है, मगर आप जो है मजहब को भी ले आते हैं, रिलीजन को भी ले आते हैं और धर्म को भी ले आते हैं, उसको धर्म की तुलना में तोल देते हैं, जो कि गलत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो रिलीजन है वो ईसाइयों का है, वो जो है 2002 साल का अभी 22 साल हुआ है उससे आए, और जो मजहब है वो 1400 साल पुराना है, और जो सनातन धर्म है वो आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। जो हिंदू सनातन धर्म जो है, जहाँ पर हिंदू है जो तिलक लगाते हैं, चोटी करते हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जाति के जो लोग आते हैं वो सभी हिंदुओं की कैटेगरी में आते हैं, वो सभी हिंदू हैं। लेकिन आप जो है मजहब को जो है किस तरीके से टारगेट बनाते हैं, किस तरीके से रिलीजन को आप लेकर आते हैं सर्वधर्म सम्मेलन में, जो कि गलत है। और कई लोग जो हिंदू सनातन धर्मी है उनको पता ही नहीं है कि हिंदू सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म के अंदर क्या है नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको सिखाया नहीं, क्योंकि वो बचपन से ही उनका जो पालन पोषण हुआ है वो एक अलग तरीके से हुआ है। वो लोग जो है बड़े प्रचार देखकर मजहब में घुस जाते हैं, उसी को धर्म समझ लेते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के मजहब के अंदर घुस जाते हैं, ईसाइयों में चले जाते हैं जहाँ पर नाच गाना और बड़ा सा चर्च होता है उसमें घुस जाते हैं, उसको रिलीजन को ही अपना धर्म समझ लेते हैं। इसीलिए धर्म परिवर्तन भी होता है, किसी न किसी लालच के वजह से होता है। जैसे कि मदर टेरेसा, मैं बताना चाहूँगा मदर टेरेसा क्या करती थी। वो बोलती थी कि मैं जो है मानव का और मनुष्यों का बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मानव सेवा कर रही हूँ। परंतु आपको मदर टेरेसा के विषय में पता है, जानकारी है, जानते हैं, कुछ भी पता है? कुछ नहीं। मदर टेरेसा हिंदुओं के जो गरीब तबके के जो लोग होते थे, आदिवासी लोग होते थे, जो गरीब होते थे, उसको पहले अपने रिलीजन में लेके आती थी और उसको ईसाई धर्म ईसाई बनाकर उसके बाद उसको नौकरी देती थी, जैसे लेटरिन सफा करना, कचरा सफा उठाना, जूठन उठाना, ये सब काम देती थी, और उसको उसके बदले में आटा, दाल, चावल और खाना देती थी, और कुछ चंद पैसे में उसको खरीद लेती थी। तो ये धर्म का कार्य नहीं है, ये रिलीजन का काम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उसने तो ये तरह का जो है बिजनेस किया, अपने धर्म को बढ़ाया, अपने रिलीजन को बढ़ाया, अपनी आबादी बढ़ाई, ये मदर टेरेसा करती थी। अरे भैया जब मानव सेवा ही करना था तो आपने धर्म को क्यों देखा? आपको जब मानव सेवा करना था तो सब चीज़ को एक समान करते, सब गरीबों को क्यों धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, आप सबको नौकरी देते। परंतु आपने सबसे पहले ये किया कि सबको ईसाई बनाया, ईसाई बनाकर उसको नौकरी दी, अगर वो ईसाई नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं दिया। तो मदर टेरेसा जो ये माइंड सेटअप का जो गेम खेलती थी ये गलत है। जो मदर टेरेसा को मदर का जो उपाधि दिया गया है ये बहुत गलत है। अगर मदर टेरेसा को मदर का उपाधि देना है तो वो अंग्रेज लोग दे, हिंदू लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दूसरा, आप जो मजहब की बात करते हैं, मजहब जो है वो मुसलमानों का है, मुस्लिम जो मजहब है वो 1400 साल पुराना है, जिसमें कोई आनी जानी नहीं है, वहाँ पर सफा सफा है, काफिरों का कत्ल करें, आप मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी और बहुत तहूरें मिलेगी, एस अयासी का अड्डा मिलेगा और चार शादी और 40 बच्चे और हलाला और हलाले के नाम पर सरेआम रेप होता है। ये मुस्लिम समुदाय के अंदर है जो कि एस अयासी का अड्डा बना है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो है वो साफ साफ है, अगला जन्म भी होगा, पिछला जन्म भी होगा, जैसा कर्म करेगा उसको वैसी संगति मिलेगी, ये बात सब जानते हैं। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और जो कि हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से चलता है उसी का धर्म रहता है। तो धर्म तो हिंदू सनातन धर्म का है, इसलिए अगर कोई भी एंकर, कोई भी टीवी या कोई भी सम्मेलन होता है, अगर सर्वधर्म सम्मेलन होता है तो उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। सर्वधर्म सम्मेलन में अगर आप खाली हिंदू सनातन धर्मी को बुलाते हैं तब तो ठीक है, जैसे कि शंकराचार्य जी हो गए, तेरह अखाड़े हो गए, साधु संत सन्यासी हो गए,
वगैरह वगैरह हो गए, हिंदू सनातन धर्म ही हो गए। दूसरी चीज, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है बहुत जोर शोर से। अरे भैया, हम लोग राम राज्य लाना चाहते हैं। जिस तरीके से राम राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिला था, हिंदू राष्ट्र की ये लोग बार बार बात उठते हैं। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र तो शुरू से है, जहाँ पर साधु संत महात्माओं का जन्म हुआ, जहाँ देवी देवताओं ने जन्म लिया, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती बहती है, जहाँ हिमाचल प्रदेश है, वो तो हिंदुओं का ही है, हिंदू राष्ट्र तो ऑटोमेटिक बना हुआ ही है। परंतु कुछ राजनीतिक पोटोगोंडा की वजह से, कुछ राजनीतिक नेताओं की वजह से और कुछ लालची नेताओं की वजह से हिंदू राष्ट्र जो है लिखित में नहीं आया। संविधान की बात करते हैं, संविधान का पहला पन्ना ही श्री राम जी से स्टार्ट होता है, जहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और साक्षात माँ सीता विराजमान है। पहला पन्ना ही वहाँ से है संविधान में। ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को, हिंदू राष्ट्र तो है ही। इसीलिए जो लोग बेवकूफ़ की बातें करते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं, वो बहुत मूर्खता की बातें करते हैं। ये लोगों को भ्रमित करने और बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। हिंदू राष्ट्र शुरू से है और हिंदू राष्ट्र नहीं, अब राम राज्य चाहिए। अगर राम राज्य आएगा तो मुसलमानों को भी न्याय मिलेगा, ईसाइयों को भी मिलेगा और जो जाति के लोग हैं सबको मिलेगा जो ये बातें करते हैं। इसलिए जो शंकराचार्य जी ने आह्वान किया है राम राज्य का, वही चीज़ होनी चाहिए। मैं इसी के साथ हेमंत ओसावड़, मैं चाहूँगा कि आप इस क्लिप को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मन की भड़ास निकालें। कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, खुलकर बोले और नेताओं के विरुद्ध भी बोले जो गलत बात करते हैं, और मेरे विरुद्ध भी बोले, कोई बात नहीं है, मेरे विरुद्ध बोल सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो उसका काउंटर करें, खंडन करें, सवाल जवाब करें। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। इसी के साथ हेमंत ओसावड़, हेमंत टीवी चैनल से, धन्यवाद।